डॉक्टर नीलम शर्मा, प्रिंसिपल श्री लाल बहादुर शास्त्री आरएमएला कॉलेज एंड कॉलगेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरनाला, 2004 तो एज ए प्रिंसिपल कम करना शुरू किया। पिछले 5 साल तो एलबीएस कॉलगेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चार्ज ही नहीं लिया, बल्कि प्रिंसिपल के तौर पर काम कर। यह ज्वाइंट इंस्टीट्यूट है जरा, ये 1500 स्टूडेंट, लगभग 1500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। गर्ल स्टूडेंट होने के नाते मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि लड़कियों को एजुकेट करना सिर्फ एक एजुकेशन तक ही सीमित ना रखना, बल्कि समाज दे विच उनां दा एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि समाज का अद्धा हिस्सा विमेन है। सो अगलिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओन करना भी सिखाना हुंदा है। सो उसके लिए बच्चों नूं समय समय से उन्होंने मॉरल एजुकेशन देना कि किस तरह उन्होंने अपने घर संभालना है, किस तरह अपनी एजुकेशन लेना है, कि साडा एरिया मालवा एरिया बैकवर्ड एरिया मनिया जाता है। तो इतने लड़कियां की सोच तो पेरेंट्स की सोच दे विच बहुत वड्डा डिफरेंस है कि असी उन्हें कॉप अप नहीं कर सकते, कि वह पेरेंट्स बच्चों पढ़ाना नहीं चाहते, पर लड़कियां इन्हों मेरी इच्छा है कि वह अपने पैरों पर जरूर खड़े हों। सो वार वार इस तरह के कोर्सेस, इस तरह के सैमीनार्स, इस तरह के ग्रुप डिस्कशन उन्होंने मैंटल हैल्थ में भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में बिल्ड करने वास्ते असी पुरजोर कोशिश करते हैं कि जिहड़ा टीचर्स ते स्टूडेंट्स का जिहड़ा रिलेशन है वह बहुत वधिया होवे। वह सिर्फ एजुकेशन की ही प्रॉब्लम्स ना डिस्कस कर, सगों अपने घर दीयां प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर, कि जिथे कि उन्होंने मदद परिवार के लिए तो उन्होंने लिए असी मदद कर सकीए। सो इको ही मोटो है कि अपने पैरों पर जरूर खड़े होना, चाहे वह प्राइवेट होवे जां सरकारी होवे, जां असी अपना कोई छोटा मोटा काम करके भी, कि अपनी छोटी इनकम है चाहे वह, पर बच्चों का लेडी का वह मॉरल तौर पर उन्हें बहुत अप करती है, तो उस कॉन्फिडेंस लैवल बहुत बढ़ जाता है, तो वह समाज के नाल किसी भी तरीके लड़ सकती है। थैंक यू।